अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। अली के उल्टे उल्टे काम चेक करो। मानो बिल्ली को हमारी पैरोट्स के ऊपर बिठा दिया, बेचारे डर जाएंगे। उठाओ मिट्टू, मिट्टू को बाहर निकालते हैं। मिट्टू आ जाओ। अरे मिट्टू डर क्यों रहा है? मिट्टू डरना नहीं है, और डॉन तो बेचारा बहुत सैड सैड है और गंदा भी हुआ है। डॉन को नहलाना है, लेकिन सर्दी बहुत है, डॉन बीमार ना हो जाए, इस वजह से डॉन को हम नहला नहीं रहे। आ जाओ मिट्टू, काटना नहीं, आ जाओ आ जाओ। ओ ये तो काट रहा है भाई, काट रहा है। काटने का नहीं है, आने का है, आने का, आने का। मिट्टू अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, माशाल्लाह, अल्लाह हू, अल्लाह हू। सुबह से इतनी बातें कर रहा है भाई ये, माशाल्लाह, अल्लाह हू। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं निकालो, बस अंदर ही थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं इससे। मिट्टू पहले काटता नहीं था, ये ना, ये जो हमारी फीमेल पैरोट है ना, इसने हमारे मिट्टू को भी काटना सिखा दिया। अल्लाह हू बोलो, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, माशाल्लाह, अल्लाह हू बोल रहा, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू। ओए काटने का नहीं है भाई, अल्लाह हू, अल्लाह हू, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। चलो बंद कर देते हैं भाई। जी इस दिन ज्यादा गर्मी होगी ना, तो हम लोग अपने डॉन और रस्की पपीज और माओ को नहला देंगे। ठीक है जी। मैं तो बोल रहा हूँ हस्की पपीज को तो आज ना नहला दे हम लोग, आज है थोड़ी थोड़ी धूप तेज है, थोड़ी थोड़ी धूप तेज है तो आज नहला देते हैं। वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो तो सर्दियों में ही रहते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मिनी जू, और अली अपने साथ, मानो बिल्ली को भी लेके जा रहे हो आप? ये खाना भाई हमारे पेट्स का, मामा ने पंजे भी दे दिए और साथ में थोड़े छिलके छिलके सब्जियों के वो दे दिए। तो चलते हैं भाई फटाफट से अपने मिनी जू, और इस व्लॉग को भी करते हैं इसे स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मिनी जू आ गए डक्स के लिए, तो भाई स्विमिंग पूल बना और डक्स भी मस्त होके नहा रही हैं भाई, चेक करो। और हमारे हस्की पपीस को तो भाई कैज में बंद किया हुआ है, लेकिन निकाल भी नहीं सकते हस्की पपीस को। वो ये तो मेरे भी पीछे लग रही है यार। ओ भाई ये देखो, वो मेरे पीछे लग रही है यार। ओए भाई तो और खतरनाक हो गई है सील मुर्गे से पिटने के बाद यार, ये देखना अभी। ओ भाई गुस्सा चेक करो अली, ओए ये तो मेरे भी पीछे लग रही है, ये देखना अभी, देखना। ओए भाई अली आप तो नहीं आना भाई, और ज्यादा खतरनाक हो गई। हस्की पपीस को निकाला ना, तुम्हें बताएंगे वो सीधा रास्ता। भाई ये तो मेरे पीछे भी लग रही है यार, मुझे भी डर लगने लग गया है। हमारा मॉन्की बेबी कहाँ है भाई? बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि अनस भाई अपने मॉन्की बेबी का आप लोग नाम जिमी रख दो, तो मॉन्की बेबी का नाम हम लोग जिमी रख देते हैं। और बकरी के बेबीज को तो मैं भूल ही गया था, ये रे माशाल्लाह। अली उठाओ इन्हें, पता चला अली तो भाई आ ही नहीं रहा डर के मारे, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हमारा टर्की बर्ड। वे टर्की बर्ड क्या खा लिया है यार, ये सिर्फ हम पे ही अटैक कर रहा है। हमारा दूसरा बकरी का बेबी ये रहा, और बकरी वो रही। और चड्डी लाल बता रहा है कि बकरी जो है ना, वो बकरी के बेबीज को दूध नहीं पिला रही है, और वो बता रहा है कि हमारे साथ शायद स्कैम हो गया। ये जो बेबीज है ना बकरी के, ये किसी और बकरी के हैं और इसकी माँ अलग है, मतलब ये इन बकरी के बेबीज की माँ नहीं है। अली हमारे साथ स्कैम हो गया। चेक करके यार, हमें इतनी पहचान नहीं है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है हमारे साथ स्कैम हो गया। ये तो बताओ मंकी बेबी का नाम क्या रखा है? जिम्मी। जिम्मी ठीक है ना, जिम्मी। मैंने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, अनस भाई रख दो रख दो। तो भाई ये हमारे बकरी के बेबीज हैं, अभी पापा गए हैं इनके लिए फीडर लेने के लिए और दूध लेने के लिए, तो फीडर में इनको फीड करवानी पड़ेगी। ये खड़ा करो बकरी को, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। जो बकरी है ना, वो इन बेबीज को दूध नहीं पिला रही है भाई, इनको ना लाते मार के भगा रही है, मतलब ये इनकी माँ नहीं है। बकरी उठ भी नहीं रही है भाई, मुझे तो लग रहा है ये बकरी भी बीमार है। हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया सिर्फ आपकी जिद की वजह से अली। और गाइस आप लोग भी बोलते हो दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो अली को। और ये देखो भाई हमारे जो मानो बिल्ली है ना, वो अली के पीछे पीछे जहाँ अली जा रहा है ये भी आ रही है। वो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। अभी देखना ये जो बकरी का बेबी है ना, इसको हम बकरी के नीचे छोड़ते हैं, और ये देखना अब लात मारेगी, ये अभी दूध नहीं पिलाएगी। अरे इसको पता ही नहीं है दूध कहाँ है, तो पियो। ओए 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 ओए, और ये तो हमें ही मारने को हो रही है, देखो लाते मार के भाग रही है बेबी को भी।
इतने छोटे से बेबी को भी लाते मार के भाग रही है। पापा बकरी के बेबीज के लिए जाके फीडर ले आए और फीडर में दूध भी डलवा के ले आए। अब पिला के चेक करते हैं भाई इनको, फीडर वाला दूध ये पियेंगे या नहीं। अली आराम आराम से पकड़ के पिलाओ भाई, दोनों बेबीज आ गए और ये बहुत बेचारे, इनको भूख लग रही है। अली पिलाओ, उई ये देखो यार, ये तो मुझे ही खाने को हूँ मैं, ये देखो ये तो मेरा अंगूठा चूस रही है भाई। इधर दिखाओ, इसको पिलाऊं अली को, कितना वो हाफ हाफ पिलाना, दोनों को हाफ, दोनों को हाफ हाफ पिलाएं। ओए पी रहा है भाई, माशाल्लाह पी रहा है। इनकी थोड़ी भूख चूक खत्म होगी तो मस्त हो गए यहाँ अपने मिनी जू में खेलेंगे। फिर थोड़ा सा इसको पिलाते हैं। बकरी के बेबीज को थोड़ी सी फीड मैंने करवाई और थोड़ी सी फीड अली ने करवाई और भाई अब दोनों का प्यार चल रहा है। देखो दोनों एक साथ खेल रहे हैं, वही माशाल्लाह भाई, दोनों एक साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ये देखो माशाल्लाह। और फाकू भी आया, फाकू हाय लाइक करो, इतने दिनों से आ ही नहीं रहा, कहाँ है अभी आए। वो भाई ये तो एक दूसरे का मुंह ही खा रहे भाई, इधर दिखाओ। ओए भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये लो भाई दूध पियो। ओए 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 ओए, मैं तो बोल रहा हूँ इनके लिए एक और फीडर लाना पड़ेगा, ये ना सही है ना, इनका इतना पेट नहीं भरेगा, बेचारे रात से भूखे हैं। चलो 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 यार, अब ये मस्त हो गए यहाँ पे हमारे मिनी जू में खेलेंगे। और अब इनको ना हम कैज में बंद कर देंगे और अपने ना हस्की पपीज को निकाल के उनको नहला देते हैं आज, ठीक। बकरी के बेबीज को फीड करवा के हम लोगों ने कैज में बंद कर दिया और अंदर से भी भाई मस्तियां कर रहे हैं, अली के साथ खेल रहे हैं। कैज में बंद होने के बावजूद भी छलांगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। और हम लोगों ने ना अपने हस्की पपीज को खोल दिया और डक्स तो भाई जब से यहाँ पे पानी आया ना, डक्स मस्त हो गए यहाँ पानी में नहा रही हैं। अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, डक्स के लिए हम लोग स्विमिंग पूल भी नहीं बना सकते। और हम लोग अपने हस्की पपीज का खाना भी लेके आए हैं, तो पहले तो इनको हम लोग खिला देते हैं इनका खाना। आ जाओ, ओए अरे भूख नहीं लग रही क्या, भूख नहीं लग रही तुम्हें, ये लो खाओ खाना। वो ये तो लड़ने लग गए भाई, आपके लिए भी भाई ये लो। और हमारे, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे जो पुराने वाला हस्की था ना, ये भी भाई यहाँ पे अब छलांगे छलांगे लगाने लग गया, देखो खेलने लग गया। मतलब पहले तो ये बैठा रहता था ना, अब ये भी भाई थोड़ा थोड़ा मस्त हो गया, तो इसको भी हम खाना छाना दे देते हैं, ये लो। और हमारा ओरी भाई, ये चेक करो हमारा ओरी, ये लो ओरी, एक मिनट पीछे पीछे पीछे, ओए वो रहा आपका खाना। अब यहाँ पे मुर्गियाँ ना आ जाए इनका खाना खाने के लिए, ये वाला हस्की अटैक कर देता है मुर्गी, पहले बता रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, इनको एक एक करके देना वरना ना मुर्गियाँ इनका सारा खाना शाना लेके चली जाएंगी। वो मुर्गी जो 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 जो, जो मुर्गियों को भी पंजे पसंद है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इन्हीं के पंजे और यही खा रही हैं। वही ओरी से छीनने के लिए गई है, वही ओरी अटैक कर देता ना, अभी पता चलता। फिर पुराने वाले हस्की ने तो खा भी लिया पंजा, तो भाई इनको खाना शाना खिलाते हैं, फिर आज हम लोग अपने हस्की बेबीज को नहला देंगे। हस्की पपीज को खाना शाना खिला दिया, अभी मस्त हो गया हमारे हस्की पपीज बैठे हुए। और हस्की पपीज के लिए हम लोगों ने पानी भी रेडी कर दिया टप में, जिसमें हम लोगों ने शैम्पू डाल दिया और झाग भी बन गए, तो एक एक करके नहलाएंगे। और स्पेशलिस्ट को हमने बुला लिया चड्डी लाल को, पहले एक को खोलते हैं ब्लैक वाले को, भाई ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं, एक एक करके हम दोनों का नहलाएंगे। वो भाई खुश हो रहा है कि मैं खुल रहा हूँ, ये साफ सुथरे हो जाएंगे ना, फिर इनको हम लोग बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाएंगे, फिर मज़ा भी आएगा भाई घुमाने का। पहले एक को नहला देते हैं, कोई वो बोल रहा मुझे भी खोलो, देखो वो देखो आप क्या कर रहे हो, आपको भी नहला दें क्या। अरे पहले पट्टा तो उतार, पप्पी का पट्टा, और ये चला गया टप के अंदर। आज हमारा हस्की पप्पी बिल्कुल साफ हो जाएगा। नहलाओ अली, आप भी नहलाओ। अरे ओरी बोल रहे मुझे भी नहलाओ, अबे भाई खाना नहीं है, नहला रहे हैं उसे, हस्की पप्पी को नहला रहे हैं। ओरी तो भाई बिल्कुल साफ सुथरा चमक रहा है ओरी बिल्कुल। और ये वाला हमारा पुराने वाला हस्की पप्पी भी, ये तो बड़ा हो गया, बल्कि अभी पप्पी नहीं रहा है ये भी बिल्कुल साफ सुथरा, ये भी चमक रहा है। चलो भाई नहला देते हैं हम अपने हस्की पप्पी इसको। अली हस्की पप्पी को नहला रहा है और हस्की पप्पी भाई मस्त हो गया नहा रहा है, इसको पता है भाई मैं गंदा हूँ। नम 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 क्या कर रहे हो, क्या शैम्पू वाला पानी खिला रहे हो, ओए खा रहा है क्या शैम्पू वाला पान, वो तो चाट रहा है। ओए नहीं शैम्पू नहीं पिलाओ अली, क्या कर रहे हो उल्टे उल्टे काम, जल्दी जल्दी नहला दो भाई, ये देखो जल्दी जल्दी नहलाओ, कितना मैल निकला है। हाँ भाई बहुत ज्यादा मैल लगा हुआ, जल्दी नहलाओ इसे, डुबा दो पूरा, नहाना पड़ेगा खुद को भी, नहाना पड़ेगा भाई। अरे बैठ जाओ नीचे रे, अरे नहलाओ नहलाओ, पानी डालो इसके ऊपर, इसका मुंह सही तरह साफ करना, ताकि इसका मुंह जो है ना वो चमक जाए।
अली और चड्डी लाल ने मिलके हमारे ब्लैक वाले हस्की पप्पी को नहला दिया और भाई चमक गया हमारा ब्लैक वाला हस्की पप्पी। बस अब इसको निकाल दो, ये काट ना ले भाई। अब चलो ये थोड़ी देर इस तरह इसको ये शैम्पू लगा रहने दो, ठीक है। ओए 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 यार, ये तो सारे छींटे मार दिए इसने। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, छींटे मार रहा है। ओए उधर चला जाएगा, सारा गंदा कर देगा यार हमारा रूम। खेल रहे हैं भाई, स्लिप हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है हम लोग बर्फ़ में आ गए। अब हम ब्राउन वाले को खोलते हैं, ब्राउन वाले को नहलाते हैं, फिर इनको एक साथ हम लोग पानी से वॉश कर देंगे। अबे निकल जा, ओए इसका तो पट्टा फंसा हुआ है। ओए आ जा ब्राउन वाले इसके पीछे आ रहा है यार। ब्राउन वाले को मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कैच में ना बंद कर दें। ये ले चड्डी लाल, इसको भी नहला दे। अरे भाई ब्लैक वाला हस्की पप्पी तो भाई रैबिट्स के पीछे लग रहा है, लैमो के पीछे लगा। ओए 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 भाई 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 भाई। और ब्राउन वाले हस्की पप्पी को भी तकरीबन नहला दिया यार। इसका मुंह सही तरह साफ करना, नहलाओ सही करके नहलाओ। जाके भाई मुझे भी नहाना पड़ेगा, अली को भी और चड्डी लाल को भी, क्योंकि ना हमारे ऊपर छींटे लगा दिए इन लोगों ने। और ये देखो ये करना क्या चाह रहा है, दीवार पे चढ़ना चाह रहा है क्या ब्लैक वाला हमारा हस्की पप्पी। मस्त हो गए खेल रहे हैं भाई, रैबिट्स को खतरा है। अभी हमने ना खुला छोड़ा हुआ है, क्या हुआ? अरे भाई मैं नहीं नहला रहा है, मेरे ऊपर छींटा मार रहा है। इनको नहलाना थोड़ा मुश्किल है भाई। ये देखो नहा लिया यार, थोड़ा मुंह भी साफ करना है। ये आज हमारे हस्की पप्पी बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। नहीं कर दिया हम लोगों ने। छोड़ना नहीं यार, फिर से गंदा हो जाएगा। इसको ना हम लोग दूसरी वाली साइड लेके जाते हैं और इनको पानी से नहला के धूप में बांध देते हैं। हम लोगों ने हस्की पप्पी को नहला दिया था, अली ने इधर आके फिर से हस्की पप्पी के साथ पंगे शंगे किए, खुद भी नहा लिया, दोबारा से हस्की पप्पी को नहला दिया। और क्या हुआ, आंखों में शैम्पू चला गया। जल्दी मुंह धो लो, इसके अंदर नलके के नीचे मुंह डालो जल्दी। हाँ डालो, आंखें साफ करो। सही हुआ, थोड़ा हुआ नहीं हुआ, नहाना पड़ेगा नलके के नीचे। आप भी नहा लो, नहाओ, देखना कान के अंदर पानी ना चले जाए आपके। हस्की पप्पीज तो भाई मस्त हो गए, नहा लिए। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? ओए यार अली रोने लग गया। चड्डी लाल जल्दी इनको नहला यार, दोबारा से नहलाना पड़ेगा, गंदे हो गए थे। अली खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। और यार ये फिर से भाग जाते हैं, इन्होंने हमारे सारे कपड़े छींटे मार मार के गंदे कर दिए। वो वॉशरूम में चला गया यार, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ, धूप में खड़े हो थोड़ी देर। ओए अली को देखो भाई, खांसी भी हो रही है। ओए चलो इधर खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हस्की पप्पी भी देख रहा है अली को क्या हो गया। हस्की पप्पी इसको तो हमने नहलाया, साथ में हमें अली को भी नहलाना पड़ गया भाई। अली के भी सारे कपड़े शपड़े गंदे हो गए थे और अली की आईज में शैम्पू चला गया था, पूरी आईज रेड हो गई अली की। इसलिए अली रो रहा था, तो अली के हम लोगों ने भाई अली को यहीं पे नहला के, अली के घर से कपड़े शपड़े पहना के यहीं पे अली के कपड़े शपड़े चेंज करवा दिए। अभी अली यहाँ पे धूप में लेटा हुआ ताकि अली को सर्दी शर्दी ना लगे। और हमारे हस्की पप्पी पे भी ना हमने पानी शानी डाल दिया, शैम्पू से तो नहला दिया था, अब इनको भी हम लोगों ने धूप में यहीं पे बांध दिया। अगर इनको अंदर बांधेंगे ना तो इन पे मट्टी शट्टी लग जाएगी और ये दोबारा से गंदे हो जाएंगे। इधर ये दोनों मस्त होके रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर तक ये सूख जाएंगे और हम लोग जब वापस आएंगे ना अपने मिनी जू का, अभी घर जा रहे हैं, मुझे भी नहाना पड़ेगा, मेरे भी सारे कपड़े शपड़े गंदे हो गए। चलो घर चलें, खड़े हो, जब दोबारा आएंगे जब तक ये सूख जाएंगे और भाई बहुत क्यूट लगेंगे हमारे हस्की पप्पीज। चलो अली खड़े हो जाओ, घर चलें। घर आ गए थे, घर आके नहा के कपड़े शपड़े चेंज किए, खाना भी रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने देसी घी वाली स्पेशल दाल बनाई है, साथ में सलाद छला दे, तो खाते हैं भाई फटाफट अपना दोपहर का खाना। खाना खा लिया, अब्दुल्ला भी कॉलेज से आ गया और अली की साइकिल हम लोगों ने कल पंचर लगने के लिए दी थी, अली की साइकिल भी आ गई और अली की मस्तियां आज फिर से स्टार्ट हो गई। और भाई अली का एटीट्यूड तो चेक करो। और हम लोग जा रहे हैं मिनी जू, आप साइकिल पे ही जाओगे मिनी जू? गिरा नहीं जाना भाई, भाई यहीं पे यार, इसकी ब्रेकें श्रेकें फेल हैं, इसकी ब्रेकें मैंने पता किया था, अली की साइकिल की ब्रेक्स यहाँ से नहीं मिली भाई, आपको बहुत एहतियात से चलानी पड़ेगी साइकिल। हाँ जब तक, लेकिन आहिस्ता चलाओगे, फिर ये नहीं कि आप ये साइकिल भगाओ और तोड़ दो इस साइकिल को, ठीक है। चलो चलते हैं भाई फटाफट से अपने मिनी जू। क्या कर रहे हो भाई? मिनी जू आ गए हम लोग अपने बकरी के बेबीज को, कैच के अंदर बंद करके गए थे तो इनको भूख शूख लग रही होगी, इनके लिए हम लोग फीडर में दूध लेके आ गए। यार मट्टी लगी हुई, एक मिनट, ये मट्टी साफ करो, ठीक है ना भाई? जल्दी से साफ करो, इस चादर से साफ कर लो। आ गए भाई, पिलाओ, आ जाओ, देखो पियेंगे, पी रहे हैं माशाल्लाह भाई।
ये देखो ये देखो ये देखो कितना मस्त हो गया भाई बकरी का बेबी, फीडर से दूध पी रहा है। और दूसरा वाला तो भाई मजे से बैठा हुआ है, इसको उंगली चूसाऊं मैं अपनी। ये देखो ओए ओए, ये तो मेरी उंगली खा रहा है। ओए 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 ओए, गंदे बच्चे क्या कर रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप लोगों के लिए दूध लाए हम लोग। आओ देखो, मंकी का बेबी मुंह देख रहा है। मंकी का बेबी तो फीडर से डरता है बहुत। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये इसने मेरी उंगली खानी है। ये देखो, अरे भाई दूध लाए, दूध पिलाएंगे आपको। इसको भी दो हली, इसको भी दो। आया यार, इनके इतने छोटे छोटे से दांत हैं। पिलाओ 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 पिलाओ, इधर दिखाओ इधर दिखाओ। ये लो भाई, दूध पियो। गाइज आप लोग कमेंट्स में नेम बताओ, इनके नेम हम लोग क्या रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो चलो, ये लो अली, इनको दूध पिलाओ आप दोनों को, ठीक है। इनको बाहर नहीं निकलने देना, हस्की इन पे अटैक भी कर सकते हैं। और अली ने भाई जो हमारा ब्राउन वाला रैबिट था ना, छोटे वाले कैज में बंद किया हुआ है, बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है, फर्स्ट टाइम पकड़ा है ना इसको। अरे इनको दूध तो पिला दो। अच्छा पहले रैबिट निकाल लो, रैबिट निकालो, ब्राउन वाले रैबिट को। ओए पकड़ लिया अली ने, ले आओ ले आओ, बाहर बाहर निकालो। आज देखते हैं अपने ब्राउन वाले रैबिट को भी बहुत करीब से, वरना तो छोटा सा था ये। जी देखो यार, ये छोटा सा था, बच्चा था, कितना बड़ा हो गया। यहाँ बिठा दो, बैठाओ। कहाँ जाएगा भाई, अब यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकता। माशाल्लाह कितना क्यूट है। अली इनको दूध शूध पिलाओ। और हमारे हस्की, हस्की तो भाई मस्त हो गए सोए में। इनको भी अभी इनको भूख शूख नहीं लग रही, इनको थोड़ी देर में हम लोग इनका खाना छाना देंगे। और हस्की बेबीज को हम नहला के गए थे तो देखो माशाल्लाह बिल्कुल चमक गए हैं। देखो भाई दोनों चमक रहे हैं। तो भाई आज हम लोग क्या बोलते हैं अब्दुल्ला, चलें इनको लेके घुमाने बाहर, मजा आएगा भाई। अपने ओरी को भी लेके जाते हैं, अपने पुराने वाले हस्की को भी, सारे अपने ना डॉग्स को आज हम लोग बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। सारे पेट्स को हम लोगों ने खाना शाना खिला दिया, सारे मस्त होके घूम रहे हैं। हम लोगों ने ओरी को भी खोल लिया, अपने हस्की पपीस को भी खोल लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने हस्की पपीस और ओरी को फाइनली बाहर घुमाने के लिए। भाई चलो चलो अली, देखो भाई सारे इतने खुश होंगे, भगाओ भगाओ सबको। और भाई आज हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं ना, तो आज हम लोग लोगों के रिएक्शन देखेंगे भाई, हस्की पपीस और ओरी को देख के लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं। फाइनली हम लोग अपने हस्की पपीस को मार्केट में लेके आ गए हैं, और साथ ओरी को भी ले गए हैं। और भाई सारे लोग यहाँ पे हमें ही देख रहे हैं। ओ भाई रुक रहे क्यों हो, चलो 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 अली भगाओ इन्हें, फ्रूट श्रूट दिलाए इन्हें, फ्रूट फ्रूट, लेकिन ये खाते नहीं है। अंगूर खाएंगे? अंगूर नहीं खाते भाई ये, इनको हम लोगों को चिकन शॉप पे लेके जाना पड़ेगा। चलो आओ तुम्हें चिकन शॉप पे लेके चलें। हस्की पपीस को हम लोग घुमाने के लिए तो ले आए हैं, लेकिन भाई इनकी मेहमान नवाजी भी थोड़ी करनी चाहिए, तो हम लोग आ गए एक आइसक्रीम शॉप पे। इनके लिए आइसक्रीम पकड़ते हैं, देखते हैं आइसक्रीम खाएंगे या नहीं। ओए इनके लिए हम लोग चौक बार पकड़ लेते हैं। ओरी के लिए हम लोग नहीं ले रहे, ये लो पकड़ो अली, इनको खिला के चेक करते खाते हैं या नहीं। खुल जा तुमसे, खुल गई। और आप क्यों खा रहे हो, आपको तो खांसी है। खाएंगे? वही खा रहा, खा रहा ब्लैक वाला, उसकी तो खा रहा है। वही ओरी भी खा रहा है, ये देखो। अबे भाई ये तो खा रहे हैं आइसक्रीम, ये लो खाओ 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 खाओ। ओए ओए ओए, इनको तीनों को खाने दो भाई, इनको तीनों को हम लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं। ओरी भी बड़े मजे से खा रहा है। अली कभी आपका हाथ ही ना खा जाए आइसक्रीम खाते खाते। खाओ 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 खाओ। ये आइसक्रीम ना, आइसक्रीम फुल जमी हुई है भाई, इनको पिघला के खिलानी पड़ेगी थोड़ी। तीनों मजे से खा रहे हैं आइसक्रीम। ओए ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, खाओ खाओ खाओ, मजे से खाओ, एंजॉय करो। आइसक्रीम पिघल गई, अब खिला के चेक करते हैं। ओए मुझे लग रहा अच्छी लगी, अच्छी लगी भाई हस्की पपीज को। ओए ओरी भी खा रहा है, वो वाली भी पिघल गई है भाई, इनको अच्छी लग रही है भाई, खुश हो गए हमारे साथ आके। इनको हम लोगों ने इतना ज़्यादा चलाया ना, तो आइसक्रीम तो बनती है भाई इनके लिए। खाओ खाओ मस्त हो गए, खाओ ये लो खाओ खाओ। ओए भाई कितने मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं हस्की पपीज और ओरी को हम लोगों ने आइसक्रीम खिला दी है। और भाई अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अब इनको ले कर चलते हैं वापस अपने मिनी ज़ू में। चलो चलो भाई, यहाँ पे तो रश लग गया है, देखो इतना रश लग गया था दुकान पे।
चलो 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 भाई इनको वापस मिनी जू लेके चलते हैं। हस्की पपीज और ओरी को हम लोग बाहर से घुमा फिरा के लाए तो इनको भाई भूख शूख लग गई थी। हमने ओरी को भी पंजे दे दिए और हस्की पपीज को भी अपने पंजे दे दिए और ये पुराने वाले हस्की ने पंजे शंजे खा लिए। ये बाहर इसको ले तो जाते लेकिन ये चलता नहीं है बाहर जाके, तो इसलिए इसको लेके नहीं गए थे हम लोग। और हम लोगों ने बड़े वाले कैच के अंदर बकरी और उसके बेबीज को बंद कर दिया और ऊपर से चादर ढक देंगे ताकि इन लोगों को रात को सर्दी ना लगे। और बकरी के लिए हम लोगों ने ना खाद डाली है, बकरी ये खाद खाएगी ना तो बकरी फिर दूध देगी, फिर जब बकरी दूध देगी तो बकरी का दूध ये बकरी के बेबीज पियेंगे। तो इनको कर देते हैं बंद और हमने अपने छोटे वाले केज में सारे मुर्गा मुर्गियों को बंद कर दिया। मंकी को सर्दी लगेगी रात को। ये ले अब्दुल्ला, मंकी को अंदर गिर गया भाई, अंदर रख दो। और हमारे टर्की बर्ड्स ये आ गए, टर्की बर्ड्स को जाली में बंद कर दिया। मोर कहाँ है ली? मोर दूसरी साइड पे रहता है गाड़ी के नीचे, उनको भी यहीं लाके जाली में बंद कर दो। शर्माते हैं ना भाई, उनको भी। और डक्स भी भाई यहाँ पे मस्त होके घूम रही है। सारे रैबिट्स निकले हैं, रैबिट्स ना हम लोग ना अपने मुर्गा मुर्गियों को जो दाना डालते हैं ना उनका भी दाना ये लोग खा लेते हैं भाई, ये दाना भी खाते हैं मुर्गा मुर्गियों का। मोरों को भी उस साइड से लाके हम लोगों ने जाली में बंद कर दिया और मगरिब की अजानें भी होने वाली हैं। तो भाई चलते हैं हम लोग फटाफट से घर। घर आ गए थे, घर आके मैंने काम शाम कंप्लीट किया, एडिटिंग शेडिटिंग, उसके बाद भाई मैं मस्त होकर सो गया था। अभी मामा ने मुझे उठाया, बोला ना सुट जाओ, खाना रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने मिक्स सब्जी बनाई है, तो खाते हैं भाई अपना रात का खाना। और इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आओ, पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।